देख ले तो तेरे हिसाब से अनआईडी चाहिए सर, आप अपनी बात साता प्रकरण खोला। देखो साता प्रकरण करीब डेढ़ साल पहले कोई आपस में डिस्प्यूट था, उसने भीमा राम ने उसे शिकायत कर दी थी कि तेज दाम की कि वो रोग सर्टिफिकेट था, उसकी वजह से वो गलत था, वो जेल गया। आते ही उसने कि मैं इसको देख लूँगा, फिर उस पर हमला हुआ। हमला होने के बाद में फिर SHO ने दिया कि अटेम्प्ट टू मर्डर, DY SP ने बोला अटेम्प्ट टू मर्डर, दो एडिशनल SP कहा कि अटेम्प्ट टू मर्डर, कोर्ट में गए कि FIR क्वेश्चन हो रही थी उन्होंने नहीं की, उसको अरेस्ट करने रोकने का नहीं रोका। उसके बाद में जब हुआ तो उसकी डेढ़ साल के बाद में डेथ हो गई, तो लोगों को लगा कि ये गरीब किसान जो मरा है इस तरह से ये कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं, इसके लिए होना चाहिए। आज मेरी लड़ाई जो ये कोई भी हो किसी जात का हो, अगर जो कुछ यहाँ सहमत लोग हैं उसमें से ये भी मैं कह रहा हूँ, इसका हिस्ट्री देखो, उसके भाई की केस देखो, उसके अंदर उसके उनको किया। उसके बाद में हमने आक्रोश था, 5 अक्टूबर में मिला, 15-23 को फिर बाद में क्योंकि वो 18 को चेंज हुई है इंक्वायरी जो मैंने कहने से की ADG क्राइम ने, वो उसकी वजह से वो आ गई, तो वहाँ उन्होंने कोई ऐसा अवसर नहीं बोला, कोई ऐसी बात नहीं कि ये कार्य इसको आप जल्दी करो, डेढ़ साल हो गया। जो 30 तारीख की हुई है उसका बिल्कुल एक क्रिमिनल कलर दिया गया। वहाँ पर अनंतपाल सिंह का केस लाए, चुतर सिंह का बात लाए, भीम सिंह की बात लाए, तो वहाँ उन्होंने कहा तो मतलब हम वहाँ ये बात करते जिसे हमने बात की साहब में नहीं चला, गलत हुआ, इंक्वायरी ठीक होनी थी, वहाँ बताओ। और एक ऐसे आदमी को बाहर से बुलाया है जिसकी क्या है, वहाँ का हिस्ट्री शीटर है वो, वहाँ का पता तो करो, वहाँ बुला करके यहाँ माहौल खराब कर रहा है, और कुछ सहमत है वो उनके साथ मिले हुए हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि इसमें इंसाफ मिलना चाहिए, और एक गरीब के जो उसको बिना मतलब उसको एक तरह से घायल किया मर गया, इसमें इस दूध का दूध पानी का मिलना चाहिए। पर जो इस तरह से ये क्रिमिनल केसेस ला कर ये कर रहे हैं, जिस तरह इसको प्रभावित कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पुलिस और प्रशासन और सरकार इसके दबाव में नहीं आएगी। सर आम लोगों से क्या अपील है शांति की? मैं आम लोगों से मैं 5 तारीख को कलेक्टर से मिला, 2-3 हज़ार आदमी, 23 तारीख को वो आए थे आक्रोश के साथ, ये उमेश सिंह जो छठी बार आकर के इसको रफा दफा करने में लगा। एक DY SP 3 additional SP ने उसको माना कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो इंस्पेक्टर आकर के रफा दफा कर रहा है, बड़ी शर्म की बात है। मैंने ये एडिशनल डीजी क्राइम को बोला, उसको महसूस किया फटाक से मुझे, तो 48 घंटे के अंदर HF साहब ने और HF साहब कहने से पहले उन्होंने PK सिंह साहब ने किया, मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने प्रॉपर एक्शन लिया है। उम्मीद है कि अब जो जांच होगी और ईमानदारी से होगी और इसमें कोई इस तरह का नहीं होगा। और मैं फिर आखिर में कहना चाहता हूँ, जो क्रिमिनल एलिमेंट इसमें घुस गए हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं, हम सरकार को हरा देंगे, हम आग लगा देंगे, हम ये करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हर एक्शन का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन सिर्फ बाड़मेर जैसे मेरे में नहीं होगा, ये और जगह रिएक्शन होगा। ये आदमी जो यहाँ आग लगा रहा है उसी ने वहाँ पर नागौर के अंदर किया था, ये तो प्रशासन की, और मैं तो कहूँगा CM साहब किसी की मेहरबानी होगी कि इसको एक लाइफ जिंदगी दी होगी, तो आगे बदमाशी मत कर, ये तो और कूद रहा है ऊपर से। शांति बनाए के रखने की अपील करता हूँ यहाँ पर, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी, जहाँ होगा मैं बिल्कुल शांति पर रखूँगा, वो कुछ भी यहाँ करेंगे तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, परंतु किसी के मेरा हाथ में नहीं है। आज का हर एक गरीब चुपचाप रहता है, गरीब समाज किसान, पर जो उभर आएगा ना तो इनको लोगों का इलाज कर देंगे, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि नहीं आएगी। थैंक यू सर।